80 में 80 हारेंगे वो, आप लोग क्या मतलब क्या बोले जीतेंगे? 80 की 80 सीटें नहीं, देखिए मैं अखिलेश यादव जी मेरे बड़े भाई हैं और मैं बड़ी विनम्रता के साथ उनको ना एक छोटा भाई होने के नाते सलाह देना चाहता हूँ कि जो पुरानी राजनीति थी उसको जब तक वो भूलेंगे नहीं, जब तक वो छोड़ेंगे नहीं, उनका कुछ नहीं हो सकता है। देश बहुत आगे बढ़ चुका है, देश के लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब अगर आने वाली पीढ़ी के हिसाब से वो राजनीति नहीं करेंगे तो ऐसे ही सपना देखते रह जाएंगे और कब उनकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी उनको पता भी नहीं चलेगा। तो अब अगर अपनी पार्टी को उनको बचाना है तो उनके पास एक ही रास्ता है, वो मैं उनको बताता हूँ। उनके पास एक ही रास्ता है, अगर उनको गठबंधन करना ही है तो उनको भाजपा से गठबंधन करना चाहिए। उनको जैसे देखिए, जितने लोग हैं सब लोग जिनके नाम पर राजनीति करते हैं उनके भला का सोचते हैं, तो अखिलेश यादव यादवों के नेता हैं। अगर यादवों का भला चाहते हैं तो देश में बीजेपी की ही सरकार बननी है, तो वो बीजेपी के साथ में मिलते और यादवों की आवाज़ उठाते, वहाँ पे बोलते कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, आप प्रधानमंत्री तो बनेंगे ही, तो हमारा अहिर रेजिमेंट भी बनवा दीजिए, तो उनकी बात सुनी जाती। पर उनको यादवों की चिंता ही नहीं है, अगर उनको चिंता होती तो वो ये करते, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते। अरे भाई, जब आपको गठबंधन ही करना है तो सरकार के साथ करिए ना, आपको तो बस ऐसे ही सपने देखते रहना है। और अगर ये आप जल्दी नहीं समझ पाएंगे तो बहुत जल्दी आपकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, ये पूरा देश जानता है, आप सब जानते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।